नमस्कार, द यूनिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ इश्मीत कौर और इस वक्त हम बीजेपी के ऑफिस के बाहर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बीजेपी के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये विरोध प्रदर्शन जो है ये कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा है। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी के द्वारा जो है वो उपराष्ट्रपति पर एक टिप्पणी की गई थी, उनकी जो है नकल उतारी गई थी और उसी के चलते जो है काफी निराशा देखने को मिल रही है सभी के बीच में। और उसी के चलते एक विरोध प्रदर्शन जो है आज यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बीजेपी के द्वारा यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति की नकल लगाई गई थी, उसी के चलते जो है काफी विरोध सबके बीच में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो नकल लगाई गई थी उसकी एक वीडियो जो है वो भी राहुल गांधी के द्वारा की गई थी, वीडियो भी बनाई गई थी। जा रही है कि माफी मांगी जाए और उपराष्ट्रपति का जो अपमान है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये बार बार यहाँ पे कहा जा रहा है। एक संघर्ष पद का अपमान जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और देखा कहाँ तक उचित है ये हम जनता की राय जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अपमान जो है वो किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बीजेपी के द्वारा किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी निराशा जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है एक पुतला भी जो है वो भी बनाया गया है। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। लगातार यही मांग की जा रही है कि माफी मांगी जाए और उपराष्ट्रपति का जो ये अपमान है ये नहीं सहा जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एकदम परेड कॉलेज के ठीक बाहर है और यहाँ पे जो है बीजेपी के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मिल रही है। यहाँ पे जो है एक पुतला भी बनाया गया है। लगातार माफी मांगने की मांग जो है वो यहाँ पे बीजेपी के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार माफी मांगने की यहाँ पे मांग की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी के द्वारा जो है वो उपराष्ट्रपति की जो है नकल लगाई गई थी, मिमिक्री की गई थी और उसी के चलते जो है यहाँ पे आज बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शुरू हो गया।
आप देख सकते हैं लगातार यही कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। काफी निराशा जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा ये प्रोटेस्ट जो है ये यहाँ पे किया जा रहा है। पूरे देश में जो है इस चीज को लेकर जो है वो निराशा दिखाई दे रही है और हर जगह जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि शिवसेना डोगरा फ्रंट के द्वारा भी एक ऐसा ही विरोध प्रदर्शन जो था वो रानी पार्क के बाहर किया गया था, और आज यहाँ पे जो है बीजेपी के द्वारा भी एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें जो है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। लगातार माफी मांगने की मांग की जा रही है। यहाँ पे जो है पुतला भी जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस लीडर का जो है यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद का जो है यहाँ पे नारा लगाया जा रहा है और कांग्रेस लीडर का जो है यहाँ पे पुतला भी जलाया जा रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं काफी क्रोध जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है पुतला भी जलाया जा रहा है। मान के विषय में नाराजगी जो है वो कार्यकर्ताओं की काफी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है, और उसी के चलते यहाँ पे जो है पुतला जलाया जा रहा है। पुतला जलाकर यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, और लगातार माफी मांगने की मांग जो है वो यहाँ पे की जा रही है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लोग जिनका काम ट्रांसमिशन बताना है, अपमान किया 140 करोड़ जनता का, लगता है अरेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए अरेस्ट, जिसने मौकरी की है वहाँ पर, जिसने संविधान को तोड़ा है उसको अरेस्ट होना चाहिए। लगातार इन बीजेपी के वर्करों की, और ये कहा जा रहा है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है दंड मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आज की जो नाराजगी यहाँ प्रकट की गई है, क्या संदेश है? ये जो मर्यादा रखकर जो किसी को बात करनी चाहिए उस मर्यादा को इन लोगों ने वहाँ पे तोड़ा। इन लोगों ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया, इन्होंने 140 करोड़ लोगों का अपमान किया। ये इंडियन ड्रामा कंपनी है, ये लोग जोकरों की कंपनी है, ये संविधान चलाने के लायक नहीं है। इन जोकरों को जिन लोगों ने ऐसा वहाँ पे किया, और जिस व्यक्ति ने वहाँ वीडियो बना के हंसी कर रहे थे, जो हंसी के पात्र बन रहे थे, इन सबके खिलाफ केस होना चाहिए, इनको संविधान से बाहर करना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान लिखा गया था ये उसका अपमान है, ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है। ऐसे लोग उस संसद के लायक नहीं है, इन लोगों को वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं जो ये लगातार प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं? देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार माफी मांगने की डिमांड जो है वो की जा रही है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देख सकते हैं बहुत निराशगी जो है वो देखने को मिल रही है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति की नकल लगाई गई, उपराष्ट्रपति की जो है मिमिक्री की गई, और उसी के चलते पूरे देश में जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह पे जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, और आज उसी के चलते जो है यहाँ पर परेड में बीजेपी के द्वारा जो है एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। माफी मांगने की जो है डिमांड की जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन जो है तब तक नहीं रुकेगा जब तक माफी जो है वो नहीं मांगी जाएगी। और यही कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान जो है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज के साथ। मैं हूँ इश्मीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।